अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे मुन्ना, तू यहाँ खड़ा मुस्कुरा क्यों रहा है? वो बड़ी दादी, आप पहली बार मेरे कमरे में आ रही थी ना, और वो कमरा एकदम इससे मुझे लगा थोड़ा गंदा था, तो मैं साफ सफाई करने आ गया, चीजें सारी यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी थी। तेरा कमरा और गंदा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुन्ना। कुछ छुपा रहा है क्या? मैं नहीं बड़ी दादी, क्या ही छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपाने के लिए, ये तुम पानी की तरह साफ। वैसे बेटा, हमने कभी ठीक से तेरा कमरा देखा नहीं था। अच्छा? हाँ, पर बहुत अच्छा है, सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। अरे, तुम तीनों ऐसे त्रिमूर्ति की तरह क्यों चिपके हुए हो? क्योंकि बुआ जी, आपको आज मुन्ना के कमरे में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब बुआ जी, आप क्या क्या देख रहे हो? आप क्या ढूंढ रहे हो? तुम लोग कुछ छुपा रहे हो हमसे? नहीं नहीं नहीं। दीदी, हल्दी वाला दूध पिएंगी? अभी तो बोला नहीं पिएंगे, थोड़ा सा पी लीजिए। मम्मी जी, बुआ जी को नहीं पीना है, मतलब नहीं पीना है। बुआ जी का गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मुन्ना। गुड नाइट ताई जी। मुन्ना सो जा बेटा। हाँ हाँ बड़ी दादी, आप अब सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगा। आज तो बाल बाल बचे। हाँ, वो सब कुछ तो ठीक है मम्मी जी, पर ये राधिका सोएगी कहाँ? राधिका, आज तुम मेरे साथ मेरे पलंग पर सो जाना। नहीं नहीं दादी जी, अगर हम आपके साथ आपके पलंग पर सोएंगे तो आपको जगह कम पड़ जाएगी और आप आराम से सो नहीं पाएंगी। कविता, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम हॉल के सोफे पर आराम से सो जाएंगे, बस आज रात की तो बात है। राधिका, मुझे माफ कर दो, जिज्जी की वजह से तुम्हें कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। माफी किस बात की दादी जी, अपनों की खुशी के लिए मिला कष्ट भी ना आशीर्वाद होता है। जी तेरा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आती हूँ। जी बड़ी दादी, तो सो भी गई, पता नहीं राधिका कहाँ सो रही है, एक बार जाकर देख के आता हूं। राधिका जी, तुम यहाँ सोफे पे कैसे सो पाओगी? जिफिन जी, हम सो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। क्या चिंता मत करिए, तुम एक काम करो, मैं गोलू भैया से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि वो जाएं किसी और कमरे में जाके सो जाएं, और तुम जाके उनके कमरे में सो जाओ। नहीं नहीं दविम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही हमारी वजह से
कली जी जो है वो माँ जी के कमरे में सो रही है और बड़ी दादी आपके कमरे में। कोलू भैया को परेशान मत कीजिए, हम यहाँ सो जाएंगे। कूलर को देख नहीं सकती थी एक बार राधिका तुम? हमें अच्छे से याद है कि हमने नल बंद कर दिया था, पता नहीं कैसे। पता होना चाहिए ना, किसी और गेस्ट रूम में जाकर सो जाती, तुम यहाँ क्या? हम भी तो यही कह रहे हैं, ये यहाँ क्यों? बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने कमरे में जाओ। वो नींद नहीं आ रही थी मुझे बड़ी दादी, तो बस टहल रहा था। एक काम करो, तुम कमरे में जाओ, हम कली को भेजते हैं, वो तुम्हारा सर दबा देगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस कमरे में जा रहा हूँ। अगर हम पानी भरने नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता यहाँ रासलीला रची रह रही है। तुम यहाँ क्यों सो रही हो, जा अपने कमरे में। अब कहाँ जाए, किस कमरे में? लगता है तुम खुद नहीं जाओगी, हमें लेकर जाना पड़ेगा, चलो। ये तो दुलारी जी का कमरा है। क्या कमरे की हालत कर रखी है तुमने, इतनी बास आ रही है यहाँ पर, ऐसा लगता है कब से ये कमरा बंद है। खुद तो ऐसे टिप टॉप बनी रहती हो और इस कमरे की हालत देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज तुम हॉल में ही आकर सोती हो? नहीं नहीं मालकिन, हम बस सफाई करने वाले थे कमरे की। ये कौन है? तुम्हारी बहन है? हाँ 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 हाँ। तुम वैसे किस्मत की बहुत धनी हो, तुम्हें छत मिली है, ये अपना कमरा मिला है, लेकिन इसकी कदर करना सीखो। जी। ये कमरा तो बहुत ज्यादा गंदा है, सोने से पहले सफाई कर लेते हैं। दादी के कर्राटों की वजह से नींद नहीं आ रही। बड़ी दादी के कर्राटे तो बंद हो गए, तो फिर नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? कैसे आएगी, राधिका नीचे वाले सोफे पे कैसे ही सो रही होगी? Thank you.
राधिका। राधिका कहाँ चली गई? यहीं तो सो रही थी, कहीं दादी के कमरे में तो नहीं चली गई सोने के लिए? तुलारी के कमरे से आवाज कैसे आ रही है? वो वापस आ गई है क्या? जी आप? राधिका? टिफिन जी आप यहाँ पर क्या कर रहे? किसी ने देख लिया तो? और आप अभी तक सोए क्यों नहीं? ये सब छोड़ो राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बिलारी जी का कमरा खाली था और वो यहाँ पर है भी नहीं ना, तो हमने सोचा हम यहीं पर सो जाते हैं। रूम में आए तो बहुत ज्यादा गंदा था, इसलिए बस साफ सफाई कर रहे थे। कुछ तो छुआ मुझको। क्या? मुझे पता होता तो मैं पूछता क्या राधिका? अरे चूहा गया होगा दिव्यम जी। चूहा? आप चूहे से डरते हैं? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, मूषक महाराज से क्यों डरना? कॉकरोच। नौकरानी जी, अपने इनके लिए नाश्ता ना हम बना लेंगे, आप जाइए। कली जी, दिव्यम साहब के नाश्ते का टाइम तो पहले ही हो चुका है और हमने उनका नाश्ता भी तैयार कर दिया है। नौकरानी जी, लाइए हमें दीजिए, हम दे देंगे। आप तब तक रसोई की सफाई करिए, और वैसे भी हम इस घर की होने वाली बहू हैं, है ना? दादी सास जी हमें आधी बहू तो बना ही चुकी हैं, बहुत जल्द हम पूरी भी बन जाएंगे। तो अब से इनकी और घर के सभी सदस्यों के नाश्ते की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है ना जी? लाइए हमें दीजिए। छोड़िए ना,
देखा आप लोगों ने, हमने कहा था ना कल ही पूरा घर संभाल लेंगे। देखो कितना अच्छा नाश्ता सबके लिए बना दिया उसने, और कितना सारा बना है ना कली बेटा? जी दादी सास जी, ये सारा नाश्ता हमने खुद बनाया है। जी आपको पौष्टिक नाश्ता पसंद है ना, तो हमने आपके लिए ये पौष्टिक चीले बनाए हैं। अच्छा चटनी भी बनाई होगी ना आपने इसके साथ में, कहाँ है? चटनी, चटनी वो जो लाल कलर की होती है। कली जी आप ये चटनी रसोई में भूल गई थी। अरे हाँ हम ये तो वहीं भूल आए थे। ये लीजिए आपकी चटनी। ये चीले आपने खुद ने बनाए? हाँ ये मैंने अपने हाथों से बनाया। तो जब आपने ये चीले अपने हाथों से बनाए तब इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया? जी हमने हमने इसमें टमाटर डाला है, टमाटर और प्याज और नमक और हरी मिर्च भी। और जल्दी बोलिए मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। और वो क्या आप इसमें मसाले और रागी का आटा डालना भूल गए? खैर मुझे भूख नहीं है। दिव्यम जब भी कली तुम्हारे लिए कुछ अपने हाथों से बनाती है तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हारी भूख क्यों मर जाती है? सॉरी बड़ी दादी, मेरी भूख कली की वजह से नहीं किसी और वजह से खत्म हो। किसी और के मतलब किसके कारण दिव्यम? ऑफिस की वजह से दादी, बहुत काम है। मैं चलता हूँ। मुन्ना थोड़ा तो कुछ खा ले बेटा। नहीं माँ। दिव्यम जी हमसे इतना नाराज है कि हमारे हाथों का बना खाना भी नहीं खा रहे, क्या करें? कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा। हाँ 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 मुन्ना, हाँ तेरा व्हाइट शर्ट ट्राउजर, हाँ मुन्ना तेरा ट्राउजर और तेरी शर्ट हमारे हाथ में और हम इन्हें अच्छे से प्रेस कर देंगे। थैंक यू माँ। अच्छा माँ सुनिए, और आज शाम को मेरा खाना मत बनाना, मैं दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ तो खाना खा के आऊंगा, घर आने में देर हो जाएगी। ठीक है मुन्ना, तू जा और खूब इंजॉय कर। बाय। बुआ जी। सुजाता। जी बुआ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ के मंगोड़े नहीं खाए, जल्दी से बना दो। ठीक है बुआ जी हम बना देते, बस अब मुन्ना के ये कपड़े प्रेस कर ले उसके बाद बना देंगे। क्या सुजाता तुम भी, बुआ जी का खाने का मन अभी हो रहा है और तुम उन्हें 2 घंटे के बाद खिलाओगी? एक काम करो, तुम ये सब काम अपनी होने वाली बहू कली बिटिया को दे दो, है ना? हाँ दे दो ना, वो करेगी, वो बहुत अच्छे से कर देगी। क्यों बुआ जी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। कली, कली, बुआ जी, कली, आ गई कली। जी दादी सास जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये तुम्हारे होने वाले पति के कपड़े हैं, इन्हें अच्छे से इस्त्री करके रख दो। अब बुआ जी वो क्या है ना कि मुन्ना को हमारे हाथ के प्रेस किए हुए कपड़े पसंद आते, वो काम का नाराज हो जाएगा, हम कर देते हैं ना। बहू आ रही है, सुजाता अपने पल्लू से बेटे को हटाओ, उसे दे दो। दे दो? अब जाओ तुम, जल्दी से हमारे लिए मंगोड़े बना दो।
जी। पारे प्रभु तेरे लीला परम्पार, सुजाता का गोल मुखे से पीछा छुड़वा कर ये गवार के उसके मत्थे मार दी। बुआ जी, हमें अभी अभी याद आया, मुगौड़े तो सरसों के तेल में अच्छे लगेंगे ना, और घर में सरसों का तेल अब थोड़ा बचा है, खत्म हो गया है, और राधिका भी काम में व्यस्त है और कली भी अब व्यस्त हो जाएगी। भाभी, आप क्यों नहीं बाहर जा कर के सरसों का तेल ले आती, फिर हम बुआ जी के लिए गर्मा गर्म मुगौड़े बना देंगे। सुजाता, इतनी चिलचिलाती धूप में मैं बाजार जाऊं? हाँ, तो क्या हो गया, थोड़ा बाहर जाके आओ, घूम के आओ। मकोड़े खाना है जी बुआ जी। जाओ जी बुआ जी। दिव्यम, ये ले, लंच कर ले। गुरु भैया, घर से आई हुई कोई भी चीज मुझे नहीं खानी। अरे देख तो ले, घर से नहीं बाहर से लाया हूं। अपने ऑफिस के बाहर मस्त रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर एकदम हेल्दी और टेस्टी खाना मिलता है, वहीं से लाया हूं। ये ले। हेल्दी? हाँ पक्का? अरे 100%। थैंक यू गोलू भैया, बहुत भूख लगी थी मुझे। ये तो बहुत टेस्टी है गोलू भैया। हेलो जी, राधिका यहाँ? गोलू भैया। हाँ ये क्या बताया आपने, कौन सा है रेस्टोरेंट, कहाँ से लिया आपने? वो अभी बताया ना, अपने ऑफिस के पास में ही, वहीं से लाया। क्या ये रेस्टोरेंट का नाम वो ये राधिका का ढाबा? दिव्यम जी, अब आपने चख लिया है तो खा लीजिए ना, इसे फेंक देंगे तो अन्य का अपमान हो जाएगा। हाँ जाओ यहाँ से राधिका। अब लेकिन दिव्य जाओ। सबकी चिंता है इस लड़की को, इसका अपमान, उसका अपमान, खुद की चिंता नहीं है इसको। ये क्या है, चल के देखते हैं। भाई, ये तो बिल्कुल सोने जैसा लग रहा है, असली सोना है क्या? इस घर में जहां देखो वहां बस अमीरी ही अमीरी, ऐसा घर ही तो चाहिए था हमें। हे भगवान, हमें जल्दी से इस घर की बहू बना दीजिए, ताकि ये सारी महंगी महंगी चीजें हमारी हो जाए। अभी तो हम इस घर की बहू बने भी नहीं, ये दुनिया अभी से हमारी खुशियों से जलने लगी, तभी सबकी महक यहाँ तक आ रही है। जलते रहो, हम तो इस घर की बहू बनेंगे और इस घर पर राज करेंगे। हाय दया, ये क्या हो गया? ये दिव्यम जी की शर्ट में तो चंद्रमा बन गया, अब हम क्या करेंगे, क्या करें? अब सासू जी के साथ साथ दादी सास भी हमें डांटेंगी, क्या करें?
इस नौकरानी को फंसाते हैं। नौकरानी जी सुनिए ना, जी नौकरानी जी ये ना हमरे होने वाले इनकी शर्ट है, तो आप जरा इसे इस्त्री कर देंगी? वो हमसे ना ये शहरी इस्त्री से इस्त्री हो ही नहीं रही थी, वो हमें कोयले वाली इस्त्री की आदत है ना, इसलिए तो हमसे ये चल ही नहीं पा रही है ढंग से, तो आप ये कर देंगी? जी ठीक है, हम ये कर देंगे। जी ठीक है। नौकरानी जी माफ करना, पर हमारी गलती अब आपके सर। लगता है कली जी ने ये प्रेस बहुत देर से ऑन करके रखा हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, जल्दी कर देते हैं। ये कैसे हुआ? राधिका, ये क्या किया तुमने? राधिका बोलो, ये क्या किया? शायद से मुझे वो सत्यानाश। सब खराब कर दिया इस गेंदा फूल ने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्यम की शर्ट पर हाथ लगाने की? ये? राधिका तुमने ये क्या किया? वो हमने नहीं, ये कली जी ने। हाँ कली ने, कली को हमने दी थी ये शर्ट, वो इस घर की होने वाली मालकिन है। ये शर्ट तुम्हारे पास कैसे आई? दादी सास जी ये सारी हमारी गलती है, हम किसी काम के नहीं है, हम किसी लायक नहीं है, हमें ये शहरी स्त्री से स्त्री करना नहीं आ रहा था, तो हमने नौकरानी जी को दे दिया, हमें नहीं पता था ये चला देंगी। हमारी गलती नहीं है दादी सास जी, हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं, हमें ना सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अरे बस करो, बस करो ये नाटक। माँ प्लीज सब लोगों को बाहर भेजिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं दूसरा शर्ट पहन लूंगा। बुआ जी। कली बिटिया चले। राधिका तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा बाहर चलने के लिए? चलो। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।